एडवांस एक्सेल की हम पावर क्वेरी पार्ट में आज बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले बारे में जाना कि पावर क्वेरी होता क्या है, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं, पावर क्वेरी का रोल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस किस तरह के सोर्स से डेटा हम पावर क्वेरी के में लेके आ सकते हैं। आज की क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर क्वेरी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सेल और आपका पावर बीआई दोनों पे सेम वर्क करता है। तो जो जो पावर क्यूरी एक्सेल का है वही पावर क्यूरी आपका पावर बीआई का भी होगा। तो डेटा मेनू बार में गेट डेटा में जाते हैं फ्रॉम फाइल। अब आप जो है डायरेक्ट क्यूरी कनेक्शन में पावर क्यूरी में डायरेक्ट जाके डेटा इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है हम पावर क्यूरी में नहीं जाके हम यहीं से लेते हैं डेटा। तो यहां हम आते हैं फ्रॉम फाइल। तो इसमें पहले जान लीजिए क्या क्या है। फ्रॉम फाइल में आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ और एक पर्टिकुलर फोल्डर से ले सकते हैं। फोल्डर में वो पीडीएफ की फाइल हो या सीएसवी की फाइल हो या वर्कबुक हो, वो सारा डेटा कुलेक्ट कर लेता है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम बात करते हैं सिक्वल एक्सेस, आपका एनालिसिस सर्विसेज और एस सिक्वल सर्वर का जो डेटाबेस सेट है वो इसका यूज किया जाता है, लेकिन जनरली हम एसक्यूएल सर्वर को ही लेते हैं। अजूरे एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां से ले सकते हैं, या फिर आपका पावर बीआई प्लेटफॉर्म है वहां से उठा सकते हैं डेटा को। ऑनलाइन सर्विसेज मेरे यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज भी लेके आ सकते हैं, बट ऑनलाइन सर्विसेज डीएक्टिवेटेड है, मुझे इसको एक्टिवेट करना हो क्योंकि मैंने वन डेटा अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, शायद इसी कारण से वन ड्राइव एक्टिवेट नहीं किया है। उसके बाद फ्रॉम अदर सर्विसेज की हम बात करें तो एक्सेल की जैसे सेम फाइल, क्योंकि फ्रॉम फाइल में तो हम अलग फाइल से लेते हैं ना, लेकिन इसमें फ्रॉम टेबल रेंज मतलब कि इसी फाइल से हम ले सकते हैं। इसके बाद आता है वेब, किसी वेबसाइट पेज से माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी मैंने बताया ही, डेटा फीड, ओडीबीसी एंड ब्लैंक क्यूरी, आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई क्यूरी डाल सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन चीजों को देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में हमने बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटा को कैसे लेते हैं। तो लोकेशन पे जाना है, अपना अपना डेटा को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करें, लेकिन डेटा जब भी आप इंपोर्ट करें ध्यान रखें कि डेटा डेटा फॉर्मेट में हो, क्योंकि पावर बीआई में जाकर हम क्लीन व्लीन तो कर देते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो होती है, इसलिए डेटा को पहले देख लें कि डेटा फॉर्मेट में। उसके बाद आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिलहाल एक ही सीट है, अगर कई सारे शीट हो तो सिलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करके मल्टीपल को भी ला सकते हैं, लेकिन मल्टीपल आप तभी लेके आएंगे जब हम बताएंगे आपको मर्ज एंड अपेंड क्वेरी के बारे में, तभी आपका ये सक्सेसफुली होता है। लोड पे क्लिक करना चाहे तो यहाँ से लोड कर सकते हैं हम डायरेक्टली, या फिर ट्रांसफॉर्म करके आप पावर क्वेरी पे जा सकते हैं जहां पे आप करेंगे करेक्शंस या कोई कैलकुलेशन। तो हम पावर बीआई में डेटा को क्लीन एंड कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, कैसे कैलकुलेशन करता है हम आगे क्लासेस में आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लोड एंड क्लोज करते हैं और आपका डेटा यहाँ पे आ गया एक्सेल फाइल से। अगर डेटा मेरा एक्सेस में हो तो भी आप सेम इसी टूल्स की मदद से डेटा लेके आ सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम सीएसवी। अब सीएसवी भी दो तरह की होती है, चीज को समझ लीजिए, हालांकि ये चीज तो आप जानते होंगे फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सीएसवी जो फाइल होती है, सीएसवी इट मीन कॉमा सेपरेटेड या नोटपैड की फाइल आप कह सकते हैं, वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक होता है कॉमा सेपरेटेड, दूसरा होता है टैब सेपरेटेड। अगर हम सीएसवी बात करें तो ये सीएसवी है जिसमें कॉमा सेपरेटेड है, मतलब एक कॉलन दूसरे कॉलन के बीच में जो सेपरेटर है वो कॉमा है। और दूसरा आता है आपका टैब सेपरेटेड, यहाँ पे एक कॉलन से दूसरे कॉलन के बीच में जो स्पेस है वो टैब है। अब दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्ट करते समय जब हम टेक्स्ट टू कॉलन करेंगे तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहीं पे हम करते हैं फ्रॉम फाइल और यहाँ पे टेक्स्ट और सीएसवी को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले कॉमा सेपरेटेड फाइल जो यहाँ दिख रहा है, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे क्वेरी एडिटर में आ गया और ये देखिए कॉमा सेपरेट, बाय डिफॉल्ट इसने कॉमा पिक कर लिया, बट यहाँ से अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आएगा।
अब ट्रांसफॉर्म करके मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे जीएसटी ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कॉलन और इसके कस्टम कॉलन पे जाते हैं, और कस्टम कॉलन पे मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ जीएसटी, और जीएसटी करने के बाद मैं सिंपल सा अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 0.18, क्योंकि 18% अगर मैं करता हूँ तो ये परसेंट सिंबल एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सो एरर, और यहाँ पर रेड कलर है, इसलिए मुझे यहाँ पे 0.18 करना होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आ गया जीएसटी, देन मैं वापस आता हूँ होम पे और लोड एंड क्लोज, ये आपका लोड एंड क्लोज हो जाता है। अगर डेटा आपके पास सीएसवी में नहीं है, टैब सेपरेटेड है, तो भी सेम हम इसी तरह से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ फ्रॉम फाइल में आते हैं और फ्रॉम फाइल में हम सीएसवी पे अगेन जाते हैं, टेक्स्ट सीएसवी, और हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड इंपोर्ट। और यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली टैब सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन ट्रांसफॉर्म करके आप चलिए पावर क्वेरी पे, या फिर लोड कर दीजिए अगर कोई चेंजिंग नहीं करना है तो। ये हमारी डेटा में फ्रॉम फाइल रही। एक्सएमएल जेसन फाइल को कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास एक्सएमएल और जेसन का डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिंपली इसको लोड आप कर सकते हैं, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, लेकिन पीडीएफ, तो पीडीएफ से डेटा को लाया जा सकता है। जी हाँ, अगर पीडीएफ पड़ा, कोई पीडीएफ पड़ा है आपके पास, उससे इसको लेके आ सकते हैं आसानी से। बट याद रखिए, पीडीएफ के कुछ क्राइटेरिया होगा तभी डेटा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और क्राइटेरिया क्या होगा, तो चलिए एक पीडीएफ हम खोजते हैं कि मेरे फाइल में पीडीएफ पड़ा है या नहीं पड़ा है। दिख रहा है डेटा, इसको ओपन करते हैं। तो डेटा शीट मेरे पास पीडीएफ में पड़ा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ तो मैं एक ही पेज का डेटा है, और डेटा टेबल फॉर्मेट में, और टेबल फॉर्मेट के साथ साथ डेटा को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब देखिए, पीडीएफ दो चीज़ों से होती है, एक तो पीडीएफ क्रिएट किया जाता है, दूसरा स्कैन किया जाता है। अगर मान लो प्रिंट आउट निकाल के आपने स्कैन किया हुआ है, तो वो पीडीएफ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तो वो इमेज होता है, और उसको जाहिर सी बात हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि मान लीजिए मल्टी पेज पीडीएफ हुआ, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि कई सारे पेजेस हैं पीडीएफ के, तो सबसे पहले कि आप देखिएगा कि आपका सारा कॉलम एक पेज पे अवेलेबल होना चाहिए, और हर पेज पे हेडिंग होना चाहिए। जैसे हेडिंग दिख रहा है आपको ना, हर पेज पे हेडिंग होना चाहिए, तभी ये डेटा को कुलेट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, पहले पेज को ले लेगा, बाकी पेज को फिल वन फिल टू फिल थ्री करके अलग अलग शीट में दे देगा। तो चलिए इन दोनों को हम देखते हैं, इसका पाथ क्या है, पाथ देख लेते हैं। अच्छा, ई फाइल्स के अंदर यहां फ्रॉम पीडीएफ, और फ्रॉम पीडीएफ में हम अपने लोकेशन पे आते हैं, इसमें हमारा डेटा ये मल्टी पेज हो गया, पहले सिंगल पेज करते हैं। सिंगल पेज का कहां पे था, ये था ना, इसकी प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है, अच्छा E22 में। अच्छा, दोनों का लोकेशन अलग अलग था, यहाँ पीडीएफ और ई ड्राइव के 2020 में आते हैं।
फिर डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, देखिए पेज ले लिया इसने और यहाँ पे इमेज, बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे दिख पा रहा है आपको सर कि कॉलर में इमेज आ गया, यहाँ पे फैब आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे डेटा के अंदर में आपने देखा होगा क्या लगा हुआ था, आइकन्स लगे हुए थे। अगर आप लोकेशन पे जाके इस फाइल को खोल के देखेंगे तो इसमें लगा हुआ था आइकन। अब इस आइकन को इसने इमेज करके एक अलग सेल पे कर दिया हुआ है, इसको रीड नहीं किया, सिर्फ डेटा को रीड किया। तो इसको सही करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म डेटा, जो कि हमारा पावर बीआई पावर क्वेरी सॉरी खुल के आएगा। और इस पावर क्वेरी में जब मैं आया तो ये जो इमेज वाला कॉलन है इसको सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो कॉलन फोर था उसको कर देता हूँ फैब। अब ये सारा स्टेप यहाँ पे हो रहा है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। देन लोड एंड क्लोज, आपका डेटा यहाँ पे जैन फैब करके पूरा पीडीएफ के डेटा आ जाएगा। अब मेरा पीडीएफ वन पेज पे था इसलिए आ गया, लेकिन अब जो दूसरा पीडीएफ है उसमें काफ़ी सारे पेजेज हैं और सारा डेटा मैं एक ही सीट पे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्रिएट करना चाहता हूँ। जी हाँ, ऐसा हो सकता है सिंपली, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ सही फॉर्मेट में हो। जैसे कि मैंने बताया कि एक पेज पे पूरा सारे कॉलम्स होने चाहिए और साथ में कॉलम की हेडिंग हर पेज पे होना चाहिए और डेटा स्कैन नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट किया, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर ज्यादा बड़ा फाइल है तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसने अलग अलग पेज वन पेज टू पेज थ्री इसने कर दिया हुआ है और एक से लेकर तीनों पेज का कंबाइन करके इसने यहां पे डाला हुआ है, तीनों पेज यहां पे इसने कंबाइन करके डाला हुआ है। तो इसको अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो वन टू थ्री तीनों पेज का डेटा आएगा, इंडिविजुअली किसी पेज को करूंगा तो उसी पेज का डेटा आएगा। अब इस डेटा इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लोड पे क्लिक कर देते हैं। लोड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारे पास तीनों पीडीएफ को कंबाइन करके डेटा आ गया। अब क्या पीडीएफ को ही कंबाइन करता है, क्या एक्सेल फाइल को भी कंबाइन करेगा? रीजन कि ई ड्राइव के अंदर ही 2022 में एक डेटा नाम का मेरे पास सीट्स है। अब इसमें कई सारे, ये तो वर्ड फाइल है, माने नोटपैड की फाइल है, ऐसे एक्सेल की फाइलें भी हो सकती है, सेम फॉर्मेट सेम हेडिंग डिफरेंट। अब इन सबों को मुझे कुलेट करना है एक पर्टिकुलर शीट में, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर में हम अपना फोल्डर चूज करते हैं ई ड्राइव के अंदर 222 डेटा और इसको हमने ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके पास लिस्ट ऑफ फाइल आ जाएगी। जी हाँ, लिस्ट ऑफ फाइल, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फाइल्स है। अगर मैं इसी को सीधे लोड कर दिया ना तो जैसा डेटा है ना सेम आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको कंबाइन करूंगा, यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक अलग शीट पे आ जाएगी, सिंपल कंबाइन अगर करता हूं मैं तो क्या होगा, सारा शीट जो है एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ जाएगा। अब देखिए आपके पावर क्वेरी पे ये आएगा आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपका फर्स्ट फाइल हो गया, बाय डिफॉल्ट ले लिया, बट आप एक फाइल ले सकते जिसमें सारे हेडिंग हो, सारे के सारे हेडिंग जिस फाइल में हो उसको ले लीजिए। अब ये नोट पैड की थी इसलिए से दिख रहा है, पर ये टेक्स्ट की फाइल भी हो सकती थी, ले सकता है। अब हो सकता है कि कोई फाइल में एरर हो तो यहाँ पे आप स्किप विद एरर कर देंगे तो फाइल को स्किप कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम है पता कैसे लगेगा कौन सी फाइल स्किप किया, तो डोंट वरी वो फाइल नेम दिखाएगा आपको। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आप देखिए यहीं पे आपको डेटा क्यूरी एडिटर में आ गया और क्यूरी एडिटर में देखिए फाइल नेम दिया हुआ है।
सोर्स नेम दिख रहा है आपको, सोर्स नेम आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, लोड एंड क्लोज कीजिए, आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा कंबाइंड होके आ जाए। ओके तो बड़का जी समझ में आया आपको चाहिए? अब इसकी yes, प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में इससे आगे की चीजों पे हम डिस्कस करेंगे।